मेरे साथ बोलिए, ऐसी कोई बीमारी नहीं जिसकी कोई दवाई नहीं, ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका समाधान नहीं। दुनिया में ऐसी कोई बीमारी नहीं है जिसका इलाज नहीं है, और दुनिया में ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका इलाज नहीं है। जो समस्याएं भारत में हैं, ये विश्वव्यापी समस्या नहीं है, ये पूरी दुनिया में समस्या नहीं है। भारत में घुसपैठ होती है, चीन में तो नहीं होती है, इसका मतलब वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम तो नहीं है। भारत में लोग 18-18 बच्चे पैदा करते हैं, चीन में केवल 2 ही करते हैं, इसका मतलब इसका भी इलाज है। भारत में ड्रग स्मगलिंग है, सिंगापुर में तो नहीं है, इसका मतलब ड्रग स्मगलिंग का भी इलाज है। भारत में लेखपाल भी घूस लेता है, पटवारी भी घूस लेता है, हवलदार भी लेता है, थानेदार भी लेता है, तहसीलदार भी लेता है, पेशकार भी लेता है, जापान में तो नहीं लेता, इसका मतलब घूसखोरी विश्वव्यापी समस्या नहीं है। भारत में मिलावटखोरी है, भारत में कालाबाजारी है, भारत में जमाखोरी है, भारत में नशा तस्करी है, भारत में मानव तस्करी है, भारत में घुसपैठ है, भारत में धर्मांतरण है, भारत में जनसंख्या विस्फोट है, भारत में अलगाववाद है, भारत में कट्टरवाद है, भारत में जिहाद है, भारत में मजहबी उन्माद है, भारत में पत्थरबाजी है, सब कुछ है भारत में। इसमें ये सारी समस्याएं क्या पूरी दुनिया में है क्या? तो अगर बीमारी ठीक नहीं हो रही है तो 2 ही कारण है, या तो डॉक्टर गड़बड़ है या तो दवा गड़बड़ है। बड़ी सीधी सी बात, बीमारी ठीक नहीं होने का मतलब या तो डॉक्टर गड़बड़ है या तो दवा गड़बड़ है। लेकिन सच्चाई यह है कि डॉक्टर से बीमारी का रिलेशन नहीं है, बीमारी डॉक्टर ठीक नहीं करता, बीमारी दवा ठीक करती है। बीमारी इंजेक्शन से ठीक होती है, बढ़िया दवाई से ठीक होती है, बढ़िया इंजेक्शन से ठीक होता है, बढ़िया वैक्सीन से ठीक होती है, डॉक्टर से नहीं। डॉक्टर थोड़ी शरीर के अंदर जाता है, अंदर के इंजेक्शन जाता है, वैक्सीन जाती है, टैबलेट जाती है, सिरप जाता है, कैप्सूल जाता है। तो इसका मतलब अगर टैबलेट ठीक हो जाए, सिरप ठीक हो जाए, इंजेक्शन ठीक हो जाए, कैप्सूल ठीक हो जाए, तो बीमारी ठीक हो जाएगी। अच्छा, ड्राइवर बहुत अच्छा हो लेकिन गाड़ी खराब हो, यात्रा सुरक्षित हो सकती है क्या? जोर से बोलिए सर, अगले 1 घंटे तक ऐसे ही बोलना है, एक तरफा कुछ नहीं होगा, लगातार आपको बोलते रहना है। हमारी बहनें बैठी हुई हैं, आपको खाना बनाना बहुत अच्छा आता हो, आपका तेल मसाला गड़बड़ हो, आप अच्छी इडली बना सकती है क्या? अच्छा उत्तपम बना सकती है क्या? नहीं। मिस्त्री बहुत अच्छा हो, सीमेंट बालू गड़बड़ हो, अच्छा घर बन सकता है क्या? सुरक्षित घर बन सकता है क्या? नहीं। वैसे ही शासक बहुत अच्छा हो, जब तक नियम कानून अच्छा नहीं होता तब तक किसी भी समस्या का समाधान नहीं होता। भारत में जितनी समस्याएं हैं वो इसलिए ठीक नहीं हुई कि डॉक्टर तो बदलते रहे लेकिन दवाई नहीं बदली है, और डॉक्टर बदलने से बीमारी ठीक नहीं होती। अच्छा, हम लोग कितने सेल्फिश हैं, क्योंकि ये वीडियो लगभग 4-5 करोड़ लोगों तक पहुंचेगा, इसलिए इसको अपने ऊपर मत लीजिएगा, आप लोग इससे एग्जेम्प्टेड है। मोची अपने जाति वाला नहीं चाहिए, अच्छा मोची चाहिए, जिससे जूता सिलवाना है, अच्छा चाहिए क्वालिटी वाला, वो अपनी जाति का हो चाहे ना हो। धोबी जिससे कपड़ा प्रेस कराना है, अच्छा चाहिए क्वालिटी वाला, अपनी जाति का हो चाहे ना हो। नाई जिससे बाल बनवाना है, किसी कास्ट का हो, बढ़िया बढ़िया हेयर कटिंग करना उसको अच्छा आता हो। डॉक्टर किसी कास्ट का हो, ऐसी दवाई दे एक बार में बीमारी ठीक हो जाए। मिस्त्री किसी कास्ट का हो, घर बनाना उसको बढ़िया आना चाहिए। जहां हमारा प्राइवेट पर्सनल हमारा इंटरेस्ट है, वहां हम हर जगह क्या देखते हैं? क्वालिटी। और जहां देश की बात आती है तब हम क्या देखते हैं? जाति।
जिससे देश चलवाना होता है, उस वहां हम क्या देखते हैं, हमारी जाति वाला। ये बहुत अनफॉर्चुनेट लगा, लेकिन अभी एक क्रांति आ गई है, मोबाइल क्रांति। मोबाइल क्रांति आ गई है तो धीरे 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 इन समस्याओं का समाधान हो रहा है, जागरूकता बढ़ रही है। अब देखिए, आपका चर्चा आज आपके भाग्यनगर में हो रही है, सुनने वाले यहाँ हजार लोग हैं, लेकिन ये वीडियो पहुंचेगा 4-5 करोड़ लोगों तक। और ये क्रांति भी कैसे आई, एक गुजरात के महापुरुष ने क्रांति शुरू किया। गुजरात के महापुरुष ने अगर डाटा फ्री वाला ऑफर शुरू नहीं किया होता तो बाकी लोग फ्री करते क्या? जोर से बोलिए जरा। जब एक ने डाटा फ्री किया तो बाकी ऑपरेटर ने भी डाटा फ्री कर दिया। भाई 300 रुपए का 1 GB डेटा लेके आप हमको नहीं सुनते। अगर आज हम आप एक दूसरे से कनेक्टेड हैं तो उसका मूल कारण क्या है? डाटा फ्री। ये डाटा फ्री भगवान का वरदान है, ये भी भगवान राम का वरदान है। ये सबके पाखंड को एकदम एक्सपोज करता जा रहा है। जितने लोगों के पाखंड हैं, वो कैसा भी पाखंड है, सबको धीरे 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 एक्सपोज करते जा रहे हैं। जैसे आज यूपी में एक माफिया को दफनाया गया तो 50,000 लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई, तो एक्सपोज हो गए। ऐसी कौन सी सोच है कि माफिया का भी समर्थन करते? तो ये बहुत महत्वपूर्ण एक पिछले 10 साल में हुआ है कि डाटा भी फ्री हो गया है। डाटा फ्री हो गया तो विधायिका भी एक्सपोज हो रही है, कार्यपालिका भी एक्सपोज हो रही है, न्यायपालिका भी एक्सपोज हो रही है। जज कोई उल्टा सीधा काम करते हैं, बाय द वे रात को सुप्रीम कोर्ट खोल देते हैं तो अगले दिन उनके ऊपर लोग टूट पड़ते हैं, और कुछ नहीं तो व्हाट्सएप पे तो टूट ही पड़ते हैं, ट्विटर पे टूट पड़ते हैं, फेसबुक पे टूट पड़ते हैं। ऐसे किसी नेता ने कहा कुछ और, किया कुछ और, अगले दिन उसको भी पूरा एकदम। ये बड़ा सही टाइम आ रहा है, इसलिए मैं कहता हूं राम राज्य की शुरुआत हो चुकी है। राम राज्य की शुरुआत हो गई है। राम राज्य में पाखंडियों को तुरंत पकड़ा जाता था, तो आप लोगों ने भी पाखंडियों को पकड़ना शुरू कर दिया। दुनिया के जिन देशों में बहुत तगड़ी अशांति है, उनका एक बेसिक करेक्टर देखिए आप। दुर्योधन का ननिहाल गंधार, जहां से माता गांधारी आई थी, शांत समृद्ध खुशहाल था, अभी उसको अफगानिस्तान कहते हैं, अशांत है। राजा भरत का ननिहाल, जहां से माता कैकेयी आई थी, शांत समृद्ध खुशहाल था, आज की डेट में अशांत है, उसको पाकिस्तान कहते हैं। पर्शिया शांत समृद्ध खुशहाल था, आज की डेट में अशांत है, उसको ईरान कहते हैं, जहां 100% पहले पारसी हुआ करते थे। यमन अशांत है, कांगो अशांत है, ईरान अशांत है, इराक अशांत है, सूडान अशांत है, इजिप्ट अशांत है, सीरिया अशांत है, बांग्लादेश अशांत है, फिलीपींस अशांत है, सोमालिया अशांत है, पाकिस्तान अशांत है, नाइजीरिया अशांत है, तजाकिस्तान अशांत है, अफगानिस्तान अशांत है। ये जितने भारत, पूरी दुनिया में देश में अशांति है, अशांत है, इनका एक आप चेक करिए उनके बीच में कॉमन क्या है। कॉमन क्या है? कॉमन क्या है? कॉमन क्या है? और भारत में आगे देख लीजिए, आज की डेट में 9 राज्यों की डेमोग्राफी बदल चुकी है, 200 जिलों की डेमोग्राफी बदल चुकी है, 900 तहसीलों की डेमोग्राफी बदल चुकी है। मेरी एक PIL चल रही है सुप्रीम कोर्ट में, इसी डेमोग्राफी के ऊपर चल रही है। एक PIL CA पे भी चल रही है, CA लागू किया जाए। CA लागू करने के लिए एक PIL चल रही है, CA खत्म करने के लिए 236 PIL चल रही है, 236। NRC लागू होना चाहिए, उसकी एक PIL चल रही है। NRC नहीं लागू होना चाहिए, उसकी 22 PIL चल रही है। पॉपुलेशन कंट्रोल होना चाहिए, उसकी एक PIL चल रही है, और कंट्रोल नहीं होना चाहिए, उसकी
कई पीआर चल रही है। हमारे पास अगर आप इस पॉपुलेशन को देखिए तो हमारे पूर्वज कहते थे कि जितनी चादर हो उतने पैर फैलाओ, ये हमारे यहां कहावत कही जाती थी। सब लोग हिंदी समझते ना भैया। हमारे पास जमीन दुनिया की 2% है मात्र, पानी हमारे पास दुनिया का केवल 4% है और जनसंख्या हमारी दुनिया की 20% हो चुकी है। ऑस्ट्रेलिया का क्षेत्रफल हमसे 3 गुना ज्यादा है, ऑस्ट्रेलिया की पॉपुलेशन 2 करोड़ है और हम ऑफिशियली 145 करोड़ है, अनऑफिशियली 150 करोड़ है। कनाडा का क्षेत्रफल हमसे 3 गुना ज्यादा है, कनाडा की जनसंख्या 4 करोड़ है, हम 150 करोड़ है। रूस क्षेत्रफल हमसे 5 गुना ज्यादा है, जनसंख्या 15 करोड़ है और हम 150 करोड़। अमेरिका क्षेत्रफल हमसे 3 गुना ज्यादा है, जनसंख्या 33 करोड़ है और हम 150 करोड़। ब्राजील क्षेत्रफल हमसे 2.5 गुना ज्यादा है, जनसंख्या 22 करोड़ है और हम 150 करोड़। कोई भी सरकार आ जाए, एक्स वाई जेड कोई भी आ जाए, बेरोजगारी खत्म कर ही नहीं सकती। क्यों? जब तक 2 करोड़ स्वरोजगार डेवलप होते हैं, गवर्नमेंट में जॉब तो रहा नहीं लेकिन जो स्वरोजगार होता है, जब तक 2 करोड़ स्वरोजगार डेवलप होते हैं तब तक 10 करोड़ बेरोजगार पैदा हो जाते हैं।